मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के इंतजार करने वाले सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर हिंदुस्तान पेपर में जो मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के खबर छपी है उस न्यूज़ को विस्तारपूर्वक जानेंगे और साथ ही मैट्रिक रिजल्ट का फाइनल तिथि को जानेंगे। जो भी छात्र स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल ऑनलाइन को लेकर के सोच रहे हैं कि इसके लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे तो उनके लिए भी न्यूज़ को जानेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी खबर आपको व्हाट्सएप पर भी मिलता रहे, पेपर का कटिंग भी मिलता रहे। तो चलिए न्यूज़ को विस्तारपूर्वक जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के जो हिंदुस्तान पेपर में न्यूज़ छपा है, यहाँ पर दसवीं के रिजल्ट में देरी से छात्रों की बढ़ेगी परेशानी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित दसवीं परीक्षा के बाद लॉकडाउन के कारण अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। देर आने वाला यह रिजल्ट और देर से खुलना छात्रों की परेशानी बढ़ा सकती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित दसवीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में समाप्त हो गई थी। उसके बाद शिक्षकों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। बावजूद इसके समिति ने पूरा प्रयास कर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम शुरू कर दिया। कई जगहों पर मूल्यांकन अंतिम चरण में था और कुछ जगहों पर अभी भी 50% उत्तर पुस्तिकाएँ जचनी बाकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत जगह है कि अंतिम चरण में है और बहुत जगह जो है कि 50% यानी 100 में 50 कॉपी ही जाँची जा चुकी है। जिला स्कूल की प्राचार्य रेणु पंडित ने बताया कि उनके यहाँ करीब आधी उत्तर पुस्तिकाओं की ही जांच हुई है, आधे काम बाकी हैं। वहीं मोशदा के प्राचार्य ने बताया कि उनके यहाँ करीब 1200 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होनी बाकी है, इसमें सिर्फ एक दिन का काम बाकी है। लॉकडाउन के बाद कब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो पाएगा और कब तक रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद ही छात्रों की 11वीं कक्षा में नामांकन होगा और पढ़ाई शुरू हो पाएगी। लेकिन विभिन्न कारणों से देर से कक्षाओं के शुरू होने के कारण छात्रों की परेशानी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कहीं पर भी न्यूज़ पढ़े होंगे और कि मैट्रिक उत्तर पुस्तिका का जो है कि मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर पुस्तिका का जो है मूल्यांकन कार्य शुरू नहीं हुआ है और ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। समय पर यहाँ पर देख सकते हैं कि समय में कोर्स पूरा करने का रहेगा दबाव। तो मोक्षदा स्कूल के प्रधानाचार्य ने यहाँ पर देख सकते हैं विनोद कुमार ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में ही पढ़ाई शुरू हो गई थी, इस बार कक्षाएं देर से शुरू होगी तो बच्चों पर कोर्स का पूरा दबाव बढ़ जाएगा जिसके लिए उनके पास समय कम होगा। जिला स्कूल की शिक्षिका अंजलि कुमारी ने कहा कि 12वीं की अपेक्षा 11वीं का सिलेबस ज़्यादा कठिन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं का जो सिलेबस होता है 11वीं से ज़्यादा हार्ड होता है। वहीं लड़के 10वीं के बाद इंटरमीडिएट में जाते तो पढ़ाई पूरी तरह बदल जाती है। इन छात्रों पर पढ़ाई का काफ़ी दबाव होता है, यदि कक्षाएं देर से शुरू होगी तो बच्चे का सिलेबस पूरा करने में कम समय मिलेगा, ऐसे में बच्चों पर दबाव बढ़ेगा। गर्मी या अन्य छुट्टियों में भी छात्र को कुछ ना कुछ पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन अभी तो छात्रों के पास पुस्तिकाएं नहीं है, उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। इस तरह यदि गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल खुला रहेगा तो उनके पास पढ़ाई के लिए समय कम रहेंगे। देख सकते हैं यही मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के जो न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताते हैं इनका फाइनल तिथि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड 12 मई को घोषित होगा मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट। तो पिछले न्यूज़ के अनुसार आप देख सकते हैं कि 12 मई को घोषित होने की संभावना है। जो भी छात्र रिजल्ट के फाइनल तिथि को इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए कि 12 मई को घोषित होगा। अब हम जान लेते हैं कि स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल के ऑनलाइन से संबंधित न्यूज़ को। तो जो भी छात्र स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल को लेकर के इंतजार कर रहे हैं तो देखिए लॉकडाउन जैसे ही 3 मई को ख़त्म होगा तो 4 मई को जो है कि इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए न्यूज आ सकता है, लेकिन 3 मई से पहले कोई भी ऑनलाइन नहीं होगा स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल के लिए। तो आप लोग जान ही चुके हैं कि स्क्रूटनी या कंपार्टमेंटल के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 मई से लिए जा सकते हैं।